हेयर रिमूवल क्रीम, नो हेयर रिमूवल सोप, नो शेविंग, नो वैक्सिंग। आज हम ट्राई करने वाले हैं कुछ डिफरेंट, यूनिक एंड पेनलेस तरीका अपने हैवी से हैवी हेयर ग्रोथ को रिमूव करने का। अगर हमें छोटे छोटे बाल आते हैं उसको भी किस तरह से रिमूव करना है और हैवी से हैवी हेयर ग्रोथ को किस तरह से रिमूव करना है, ये पूरा डेमो मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। सो हाई गाइज, वेलकम टू माई चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हेयर रिमूवल स्प्रे के बारे में पूरा रिव्यू प्लस डेमो। ये है न्यूड की तरफ से हेयर रिमूवल स्प्रे, ये है न्यूड की तरफ से हेयर रिमूवल स्प्रे फॉर मैन एंड वुमेन बोथ। तो इसका आज पूरा रिव्यू प्लस डेमो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो और इसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाली मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, आप सबके मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हेयर रिमूवल के ऊपर आप कोई वीडियो बनाइए। तो मैं इस स्प्रे को आज यूज़ करने वाली हूँ, प्लस इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्या ये सच में वर्क करता है या नहीं करता है, इसके बारे में पूरा जानकारी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना होगा, इसका पूरा डेमो मैं आपको अच्छे से देने वाली हूँ। सो गाइस, सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात करें तो आप देख सकते हो कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है, ब्लैक कलर की इसकी पैकेजिंग है। तो इसके ऊपर सारी आपको प्रिकॉशंस भी दे रखी हैं, वार्निंग्स भी दे रखी हैं, तो आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हो। डायरेक्शंस भी दे रखी हैं कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। सो गाइस, आज तक हमने हमेशा क्रीम यूज़ की है, वैक्सिंग यूज़ की है या शेविंग यूज़ की है, लेकिन इस तरह का हेयर रिमूवल स्प्रे आज तक कभी मार्केट में नहीं आया है। तो ये पहला प्रोडक्ट है जो इस तरह से इन्होंने लॉन्च किया है न्यूड वालों ने। तो इसको हम आज पूरा देखते हैं कि क्या ये कितना वर्क करता है और कितना नहीं वर्क करता है। प्लस ये पैराबन फ्री है, इसमें कोई भी पैराबन नहीं है और 100 ml का प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है इसकी। और इसका जो MRP है वो है 290 rupees। तो इसके लिंक जितने भी हैं वो मैं सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना अगर आप परचेज करना चाहो तो। सो गाइस, 2 साल तक ये प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो। 2 साल तक इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है, वो सारी इसकी 2 साल तक है। तो चलिए अब इसका डेमो करके देखते हैं कि क्या ये कितना वर्क करता है और कितना नहीं करता है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं छोटे छोटे बालों को रिमूव करके कि क्या यहाँ पे छोटे छोटे बाल रिमूव हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने आर्म पे ट्राई करने वाली हूँ। आप देख सकते हो छोटे छोटे बाल हैं यहाँ पे, हेयर्स हैं, इसको किस तरह से रिमूव करना है देखते हैं। तो इस स्प्रे को मैं यहाँ पे स्प्रे करने वाली हूँ। 3 स्प्रे मैंने इसके ऊपर किए हैं और इसको मैं आराम से इवनली स्प्रेड कर दूँगी और फैलाने के बाद इसको आपको 5 से 10 मिनट तक अच्छे से वेट करनी है। सो गाइज, इसके साथ हमें 2 क्वाइन साइज टिश्यू मिले हैं, उसको हम इसको यूज़ करेंगे इसको रिमूव करने के लिए। तो आपको इस क्वाइन साइज टिश्यू को इस तरह से यूज़ करना है कि आपको इसको ओपन करके पानी में डाल देना है और ये अपने आप खुल जाएगा। आप इसको खोल लेंगे तो ये इस तरह से टिश्यू बन जाएगा और इसी के साथ आपको अपने हेयर्स को रिमूव कर लेना है। इसके साथ 2 टिश्यू मिले हैं। सो गाइज, अब 5 से 10 मिनट हो गए हैं तो हम इसको रिमूव करके देखते हैं कि क्या ये रिमूव होता है या नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे उसी कॉइन साइज्ड टिश्यू का यूज़ कर रही हूँ। सो गाइज, रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हो छोटे छोटे बाल इसने अच्छे से रिमूव कर दिए हैं। तो छोटे बाल तो यहाँ पे रिमूव हो गए हैं। अब हम देखते हैं हैवी से हैवी हेयर ग्रोथ रिमूव हो सकती है इसके साथ या नहीं, तो चलिए देखते हैं। सो गाइज, हैवी से हैवी ग्रोथ पर इसको ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके स्प्रे कर रही हूँ, 3 से 4 स्प्रे मैंने यहाँ पे कर दिए हैं और इसे भी मैं अच्छे से फैला रही हूँ। आप स्प्रे करना है और उसके बाद स्प्रेड कर देना है, अच्छे से फैला देना है। अब हमको 5 से 10 मिनट तक वेट करनी है और जब तक हम 5 से 10 मिनट तक वेट कर रहे हैं मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपको बता दूँ। सो गाइस, 5-10 मिनट के लिए हमें यहाँ पे वेट करना है। तो तब तक मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ टिप्स बता दूँ कि आपको किस तरह से इसको यूज़ करना है और क्या इसके प्रिकॉशंस हैं। सो गाइज, ये हेयर रिमूवल स्प्रे जो है ये सिर्फ आर्म्स और लेग के लिए है। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तभी आपको इसको यूज़ करना है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी इसको यूज़ नहीं करना है, ज़रा भी यूज़ नहीं करना है। फेस पे, अंडर आर्म्स पे, प्राइवेट पार्ट्स पे भी आपको इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जितने भी आपके सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पर आपको इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। सो अब हो गए हैं हमें गिन के 7 से 8 मिनट, तो अब हम अपने हेयर्स को रिमूव करते हैं। तो आप देख सकते हो हैवी से हैवी ग्रोथ को भी मैं इसी टिश्यू पेपर के साथ रिमूव करने की कोशिश कर रही हूँ और ये अच्छे से रिमूव हुआ है। जितनी इसकी हेयर ग्रोथ थी उस हिसाब से नहीं लग रहा था कि इतने से स्प्रे में अच्छे से ये निकल जाएगा। और जब आप इसे रिमूव करोगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे आधे बाल निकले हैं, पूरे नहीं निकले, नहीं ऐसा नहीं होगा।
सारे बाल निकल जाएंगे। आपको दोबारा से स्प्रे करने की भी ज़रूरत नहीं होगी कि छोटे बालों के लिए आपको दोबारा स्प्रे करना पड़े, ऐसा नहीं होगा। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से रिमूव हुए हैं। गाइस मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है, लेकिन मेरे स्किन पे ये बिल्कुल भी जलन वगैरह या कोई टिंगलिंग सेंसेशन जो है बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं हुआ है, बर्निंग सेंसेशन भी नहीं हुआ है। बहुत अच्छे से इसने वर्क किया है मेरे लिए, क्योंकि आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा हेयर ग्रोथ थी, लेकिन इसने कितने अच्छे से रिमूव किया है। और आप देख सकते हो इसको रिमूव करने के बाद आप कोई सा भी एलोवेरा या फिर कोई मॉइस्चराइज़र या फिर हेयर रिमूवल आफ्टर लोशन जो है न्यूड वालों का वो यूज़ कर सकते हो। रिमूवल आफ्टर लोशन जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है। आप चाहो तो मैं इसका रिव्यू एक बार आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। सो गाइज़ इस हेयर रिमूवल स्प्रे के लिए थम्स अप है और 10/10 मैं इसको देना चाहूँगी। बहुत अच्छे से इसने रिमूव किया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हैवी हेयर ग्रोथ को 2 से 3 स्प्रे में ही इतने अच्छे से इसने रिमूव कर दिया है। ज़्यादा ये प्रोडक्ट लगने भी नहीं वाला, और 100 ml का प्रोडक्ट है, क्वान्टिटी भी काफ़ी है, तो बहुत अच्छे से चल जाएगा। सो गाइज़ आई होप कि आपको ये न्यूड हेयर रिमूवर स्प्रे जो है वो पसंद आया होगा। ये मेंस एंड वुमेन दोनों के लिए है, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, लेग्स पे, आर्म्स पे, चेस्ट पे, लड़के लोग इसको चेस्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से वर्क करेगा, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और इसकी क्वांटिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। आपको 3 से 4 स्प्रे मैंने किए हैं और मेरी हाफ लेग जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो गई थी इसको लगाने से। सो गाइज़ आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर इस तरह के रिव्यूज़ और देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, आगे शेयर भी कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो। इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। तो इस तरह की वीडियोज़ मैं और लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।